हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जो कि रिलेटेड है मोबाइल या फिर कैमरा वीडियोग्राफर से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी खुद की सेल्फी मूविंग मल्टीप्लिसिटी रील वीडियो जो है बना सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे अपने मोबाइल फोन में ही उन वीडियोज को एडिट भी कर सकते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले करते हैं थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन, क्योंकि वो भी जरूरी है। अगर आप न्यू हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि ये मेरा छोटू सा यूट्यूब चैनल थोड़ा सा और ग्रो हो सके और मैं आपके लिए इन फ्यूचर ऐसी वीडियोस लाता रहूं। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो ये वीडियो या फिर और कोई वीडियो भी मेरी जो चैनल पे है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरे यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा और ट्रैफिक आ सके और मैं अपने इस फुल टाइम फोटोग्राफी करियर को आगे भी कंटिन्यू कर सकूं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो अब सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की, जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको इस वीडियो को शूट करते वक्त, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे आपकी वीडियोस को परफेक्टली ब्लेंड या एडिट करने में। तो उसमें जो सबसे ऊपर जो पॉइंट आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको ये सारी वीडियोज जो है वो ट्राईपॉड पे शूट करनी है, क्योंकि आपकी जितनी भी वीडियोज होंगी वो बिना आपके फ्रेम हिले आपको शूट करनी है, ताकि आप जब उन वीडियोज को एक साथ कंपाइल करें तो आपकी वीडियो एक दूसरे के ऊपर ना दिखे। दूसरा पॉइंट ये है कि आप दो वीडियोस भी शूट कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप दो से ज्यादा फ्रेम्स को शूट करेंगे, क्योंकि अगर आप तीन लोग एक ही वीडियो के अंदर अगर तीन या चार लोग दिख रहे होंगे या पांच दिख रहे होंगे, तो वो आपके व्यूअर्स को आपके इंस्टाग्राम पे जब आप रील डालेंगे तो वो आपके व्यूअर्स को काफी ज्यादा अपीलिंग लगेगा। तीसरे मेन इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि आपकी जब भी आप ये वीडियो शूट करेंगे, अलग अलग जब आप वीडियो शूट करेंगे, तो आपका कोई भी बॉडी पार्ट आपकी दूसरी वीडियो के ऊपर नहीं आना चाहिए। सो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक वीडियो में मैं यहाँ पे बैठा हूँ, दूसरी वीडियो में वहां बैठा हूँ, तो मेरा कोई भी हाथ, मेरा कोई भी बॉडी पार्ट वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे इस बॉडी पार्ट को ओवरलैप करेगा। चौथी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपकी सारी वीडियोस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल, यस हॉरिजॉन्टल में ही शूट होंगी। आई नो कि आप रील्स पे डालने वाले हो जो कि वर्टिकल है, लेकिन हम शूट उसको हॉरिजॉन्टल करेंगे, एज वेल एज हम 1080p नहीं, हम 4K वीडियो शूट करेंगे। चाहे आप 30fps यूज करिए, चाहे आप 24fps शूट करिए, चाहे आप 60fps शूट करिए, वो आपके ऊपर मैटर करता है, लेकिन आपकी सारी वीडियोस 4K एंड हॉरिजॉन्टल कैनवस पे शूट होनी चाहिए। अब फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ये है कि आप सारी वीडियोस को, जैसे कि अगर आप तीन वीडियोस को मर्ज करने वाले हैं, तो आपकी तीनों की तीनों वीडियोस जो है वो 40 से 50 सेकंड की होनी चाहिए, 40, 50 या 1 मिनट तक की होनी चाहिए, जिनको आप फास्ट फॉरवर्ड करके 10 सेकंड, 13 सेकंड या 15 सेकंड का बनाएंगे। और आप कोशिश करिए कि आप उन सारी वीडियोस के अंदर जब आप शूट कर रहे हैं 40 से 50 सेकंड के, तो आपकी मूवमेंट वो जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो, ताकि आप जब उसको फास्ट फॉरवर्ड करें तो वो आपकी मूवमेंट जो है आपके शॉर्ट्स के अंदर दिखनी चाहिए। अगर आप स्टिल बैठे रहेंगे 40 सेकंड तक, तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है, आपके व्यूअर को पता ही चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप जितना हिलेंगे, आगे पीछे होंगे, लैपटॉप को बंद करेंगे, खोलेंगे, मोबाइल उठाएंगे, खुद खड़े होंगे, तो वो आपके 10-15 सेकंड के अंदर आपको, आपके व्यूअर को काफी ज्यादा अपील करेगा। अब चलिए चलते हैं VN वीडियो एडिटर में और देखते हैं कि आपको इन वीडियोस को कैसे उसके अंदर एडिट करना है, जब आपने इनको शूट कर लिया है, और कैसे आपको इसके अंदर एक एनिमेशन देनी है, ताकि वो आपकी मूविंग मल्टीप्लिसिटी वीडियो जो है वो लगे। तो चलिए क्रिएट करते हैं एक सबसे पहले प्रोजेक्ट VN वीडियो एडिटर के अंदर। तो हम प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम उस वीडियो को ड्रैग करेंगे जो हमने वीडियो जो है हॉरिजॉन्टल में शूट करी है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो मैंने अपने गोवा में जो चार वीडियो शूट करी थी, उसमें से दो वीडियोज को मैं सेलेक्ट करके आपको एडिट करके दिखा रहा हूँ। एंड सेम प्रोसीजर आपका बाकी सारी वीडियोज पे भी होगा, आप चाहे चार वीडियोज डाल रहे हैं, चाहे आप पांच वीडियोज डाल रहे हैं, प्रोसीजर सेम है, बस आपको जो वो पॉइंट्स मैंने बताए थे पहले उन चीजों को ध्यान में रखना है। तो आपकी जो टाइमलाइन है वो हॉरिजॉन्टल पे दिखेगी, क्योंकि हमने जो वीडियोस हैं वो हॉरिजॉन्टली शूट करी हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियोस को क्रॉप करेंगे वहां से जहां से हमें वो वीडियो स्टार्ट चाहिए और जहां तक वो वीडियो जो है वो एंड चाहिए। तो स्प्लिट करने के बाद आप देखेंगे कि मेरी एक वीडियो जो है वो 54 सेकंड की है और एक वीडियो जो है वो 1:09 की है। तो हम इसको स्पीड जो तीसरा जो ऑप्शन है, इस वाले स्पीड वाले ऑप्शन से फास्ट फॉरवर्ड करके 15 सेकंड का बना लेंगे दोनों वीडियोस को। तो हम जाएंगे स्पीड वाले ऑप्शन के ऊपर, हम यहां से रेगुलर के ऊपर आएंगे और यहां से हम इसको 4x, और अब जो है मेरी वीडियो 13.56 सेकंड की हो गई है। अब मैं दूसरे वाली वीडियो के ऊपर आऊंगा, दोबारा स्पीड के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पे रेगुलर पे आने के बाद 4x के ऊपर क्लिक करके ओके कर दूंगा, और ये वीडियो जो है वो 17.34 सेकंड की हुई है। अब हमें इनको एग्जैक्टली सेम सेकंड का करना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम सेकंड वाली वीडियो के ऊपर आएंगे और इसको करते हैं बिल्कुल एंड में जाएंगे हम नीचे वाले साइड में, यहां पे दिखता हमें फॉरवर्ड का ऑप्शन, हम फॉरवर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारी जो वीडियो है वो ऊपर आ चुकी है, ऊपर वाली टाइमलाइन पे आ चुकी है। अब ऊपर वाली टाइमलाइन के ऊपर सेलेक्ट करके
इसको ड्रैग करके बिल्कुल स्टार्टिंग की तरफ ले आएंगे और यहाँ पे हम लाके इसको छोड़ देंगे। जब हम यहाँ पे आ गए हैं उसके बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमें दिखता है एक फिट या फिल का ऑप्शन। हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फिट का ऑप्शन और हम बाकी बचे हुए ब्लैक पार्ट को जो है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट मार देते हैं। अब हमारी जो दोनों वीडियोज है वो एग्जैक्टली सेम टाइम की हो चुकी है, विच इज 13.56 सेकेंड। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें हमें सिर्फ ऊपर वाली वीडियो दिख रही है, हमें नीचे वाली वीडियो तो दिख ही नहीं रही है। हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाली वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ जब आप आएंगे आपको यहाँ पे दिखता है सेकंड लास्ट ऑप्शन मास्क। हम मास्क वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लीनियर वाला ऑप्शन जो है, सेकंड वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो लाइन आपको हॉरिजॉन्टली दिख रही है इसको हम दोनों उंगलियों से पकड़ के, देखिए दोनों उंगलियों से पकड़ के हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे वर्टिकली। अब हम इस लाइन को अपनी दोनों वीडियोस के सब्जेक्ट के मिडल में रखेंगे। अब लेट्स सपोज अगर मैं कुर्सी के ऊपर बैठा होता तो मैं इसको यहाँ पे रखता ताकि मेरी कुर्सी और मेरा जो मेन सब्जेक्ट है जैसे जो मैं लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ वो दोनों ओवरलैप ना हो। तो अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट इस लाइन के राइट पे जा रहा है तो आप कोशिश करिए कि आप उसको लेफ्ट में लाएं, चाहे आप इसको टेढ़ा करके रखिए, क्योंकि आपका पीछे वाला एक सब्जेक्ट जो है वो दूसरी वीडियो में से गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली इसको मास्क कर सकते हैं। हम इसको सेंट्रलाइज करते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी दो ही सब्जेक्ट है मेरे पास, यहाँ पे मैं मिडल पे रखता हूँ और इसको अच्छे ब्लेंड करने के लिए अभी आप देखेंगे तो एक्सपोजर में थोड़ा सा फर्क है। ये देखिए एक्सपोजर में थोड़ा सा मुझे फर्क दिख रहा है। तो इसको अच्छी स्मूथनेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये जो एरोज दिख रहे हैं दोनों साइड पे हम उसमें से किसी भी एक एरो को पकड़ के ड्रैग करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे ब्लेंडिंग जो है आपकी और इजीली होती जा रही है। देखिए मैं यहां से थोड़ा सा गायब सा हो गया हूं तो मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूं और अब मैं इसको ले आता हूं यहां पे, तो ये इजीली ब्लेंड भी हो जाएगा और अच्छे से आपके व्यूअर्स को वो ब्लेंडिंग दिखेगी नहीं। अब इसको ओके प्रेस कर देते हैं और अब इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। ये देखिए मैं यहां से आया और वो वीडियो चल रही है। इस तरीके से आप 2-3-4 जो अपने खुद को ऐसे वीडियोस के अंदर जो है मर्ज या मास्क कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने ब्लेंड करके अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पे मास्क कर लिया है 3 या 4 या 5 को, उसके बाद हम इस वीडियो को करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी वीडियो को 4K में ही एक्सपोर्ट करना है। तो हम 4K करेंगे और यहाँ से जो बिट रेट है इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं हम 50 के करीब और उसके बाद हम राइट क्लिक के ऊपर प्रेस कर देते हैं और हम वेट करते हैं अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट होने का। अब हमारी जो वो मास्किंग वाली वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम दोबारा वीएन में आएंगे, एक और नया प्रोजेक्ट जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उस वीडियो को जो हमने अभी एक्सपोर्ट करी है उसको हम उसके ऊपर इंपोर्ट करेंगे। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने वो वाली वीडियो जो है वो इंपोर्ट कर ली है। अब हम ऊपर जाएंगे ओरिजिनल वाले के ऊपर और ओरिजिनल से यहाँ पे कर देंगे इसको 9:16 और हम इस वीडियो को पकड़ के ड्रैग करेंगे लेफ्ट साइड पे। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आने के बाद तभी मैंने आपको बोला था कि आपको 4K बनाना है क्योंकि हम इसको वर्टिकली फॉर्मेट के ऊपर जो है हम फिट करने वाले हैं, तो आपकी वीडियो जो है वो कम पिक्सेलेट आपको दिखेगी। तो यहाँ पे है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ। सेट करने के बाद मैं यहाँ पे एक की फ्रेम के ऊपर क्लिक करता हूँ। की फ्रेम्स अगर आपको नहीं दिख रहे तो आप उस वीडियो वाले पार्ट को सिलेक्ट करिए और आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस दिखने शुरू हो जाएंगे और वहीं पे आपको दिखता है की फ्रेम का ऑप्शन, यहाँ से आप की फ्रेम के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपकी वीडियो के ऊपर एक डायमंड बन जाएगा। अब हम वीडियो के बिल्कुल एंड में जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ड्रैग कर देंगे बिल्कुल राइट की तरफ जहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट या तीसरा सब्जेक्ट जो भी हमें दिख रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक डायमंड जो है वो क्रिएट हो चुका है। और अब आप जब ये इस वीडियो को प्ले करेंगे तो आपकी वीडियो एकदम से मूव होती हुई आपको दिखाई देगी। तो ऑब्वियसली अभी तो स्लो चलेगी क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है और ये थोड़ी सी 13 सेकंड की थोड़ी लंबी वीडियो बन चुकी है। तो आप 8 से 9 सेकंड में ट्राई कर सकते हैं और आपकी वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ। तो इस तरीके से बहुत इजीली तरीके से आप अपने मोबाइल फोन की मदद से, आप अपने कैमरास की मदद से डिफरेंट वीडियो शूट कर सकते हैं, 2-3-4 वीडियो शूट कर सकते हैं और आप वीएन में लाके उनको मास्क करके एक साथ एक्सपोर्ट करके फिर दोबारा से वर्टिकल फॉर्मेट में डाल के उसके अंदर की फ्रेम की मदद से मूवमेंट दे सकते हैं। और जब आप अपनी वीडियोस के अंदर एनिमेशन या मूवमेंट दे लें उसके बाद आप अपने इस ऑप्शन के ऊपर, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए और अब आप इस वीडियो को 1080p में एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको ये जो रील है वो इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करनी है एंड आप अपने बिट रेट को बिल्कुल हाई कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा क्रिस्पनेस अपनी वीडियो के अंदर देखने को मिले। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है और अब आप भी अपनी मूविंग वायरल रील्स को बना सके अपने मोबाइल फोन या अपने कैमरा की मदद से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज गिव अ थम्स अप। अगर आप न्यू है मेरे YouTube चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि मेरा ये छोटू सा YouTube चैनल जो है वो थोड़ा सा ग्रो हो सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शूटिंग, कीप शेयरिंग, स्टे एट होम एंड
पीसे।